नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम भगत आपका स्वागत करता हूं भगत जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने एक जब आप लैपटॉप में आप वर्चुअल बॉक्स के द्वारा काली लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो प्रॉब्लम आता है। दोस्तों प्रॉब्लम क्या आता है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्रॉब्लम आता है और आप चाहते हैं दोस्तों कि इसको फिक्स करें, तो कैसे फिक्स करेंगे मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों कि स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को लास्ट तो देखिए, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता। जैसा कि दोस्तों आप यहां देख पा रहे हैं, मैं ये है वर्चुअल बॉक्स। अब वर्चुअल बॉक्स में मैं चाहता हूं दोस्तों कि इसको काली लिनक्स इंस्टॉल करना, ठीक है। तो उसमें जब मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूं दोस्तों कि इस तरह से मेरा इंटरफेस में प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, सिस्टम एक्सेलरेशन पेज, द हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज इनेबल्ड इन द एक्सेलरेशन सेक्शन ऑफ द सिस्टम पेज ऑल्दो इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द होस्ट सिस्टम। तो दोस्तों इसको कैसे फिक्स करना है मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों पहले तो आपको इस लैपटॉप को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, मतलब टर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे शट डाउन या रिस्टार्ट करना है। तो दोस्तों सब लैपटॉप में अलग अलग फंक्शन होता है, किसी किसी में फंक्शन होता है कि जब आप उसको जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आपको BIOS ऑन करना है। तो वो कैसे करते हैं दोस्तों, आप पहले अपने लैपटॉप में जो भी फंक्शन 2 से दोस्तों स्टार्ट करना है, फंक्शन 10 तक आपको देखना है। तो मेरे लैपटॉप में दोस्तों हम एस्केप की कर देते हैं, मेरा लैपटॉप HP का है, विंडो 10। इसको कैसे फिक्स कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट देखिए, मैं अपने लैपटॉप के द्वारा बताऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। या तो आप इसको स्टार्ट मेनू में जाके बंद कर सकते हैं, मैं अभी इसको शट डाउन कर देता हूँ। और शट डाउन करने के बाद दोस्तों उसको रिस्टार्ट करना है। जैसे ही वो उसको मैं स्टार्ट करूँगा ना, कि स्टार्ट करने के साथ होता क्या है कि एक ऑप्शन आता है दोस्तों कि आप एस्केप की जैसे ही प्रेस करेंगे, ये एस्केप की प्रेस करने के साथ दोस्तों ये ऑन हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारा एडवांस सेटअप रहता है। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं, आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो जैसा कि दोस्त देख रहे हैं दोस्तों, ये स्विच ऑफ टर्न ऑफ हो गया है और मैं चला दोस्तों इसको फिर से इसको ऑन करने। जैसे ही मैं इसको ऑन का बटन दाबा हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एस्केप की दाबने का, एस्केप की में दाबा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह का इंटरफेस शो कर रहा है स्टार्टअप मेनू में। और स्टार्टअप मेनू में दोस्तों जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है, अगर मुझे फंक्शन मतलब सिस्टम का इंफॉर्मेशन जानना है तो F1 दाबूंगा, अगर F2 दाबा तो इस तरह से बहुत सारा फंक्शन दिया है। तो मुझे F10 दाबना है क्योंकि BIOS सेटअप ऑन करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फंक्शन F10 प्रेस किया, उसके बाद दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस शो कर रहा है। और आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये डिजेबल है और एक्चुअली मैं इसको इनेबल किया था, ठीक है, क्योंकि मुझे ठीक करना था। और मैं अब ये आपके लैपटॉप में इस तरीके से डिजेबल होगा और आपको फिर से इनेबल कर देना है दोस्तों, ठीक है। और इनेबल करने के साथ देख रहे हैं दोस्तों ये ठीक हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फंक्शन F10, जैसा कि देख रहे हैं ये फंक्शन F10 है और यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सेव एंड एक्जिस्ट फंक्शन F10। जैसे ही फंक्शन F10 प्रेस करेंगे तो एग्जिस्ट सेविंग चेंज आएगा दोस्तों, फिर उसको एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से आया। उसके बाद आपको विंडो को ऑफ होने में जो भी समय लगेगा, और ये विंडो ऑफ हो जाएगा, फिर मतलब ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप देखें दोस्तों कि ये प्रॉब्लम ठीक हो गया, और मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे आप यहाँ सेटिंग ऑन करते हैं तो Ctrl+S से भी दोस्तों आप सेटिंग को ओपन कर सकते थे। ये बेसिक शॉर्टकट ट्रिक था और यहाँ पे प्रॉब्लम शो कर रहा था दोस्तों कि ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो जैसा कि आप देखें कि प्रॉब्लम कैसे ठीक हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन साथ साथ दाब दें, क्योंकि मैं दोस्तों इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। अगर किसी प्रकार का और उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों कि आपको फिक्स करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा दोस्तों। अगर आप बहुत फास्ट जवाब चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मैं उसमें हमेशा एक्टिव रहता हूँ। और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं।